आखिर ये कोरोना जाएगा कैसे? लॉकडाउन से, वीकेंड लॉकडाउन से या नाइट कर्फ्यू से? नहीं तो कैसे? तो भैया कोरोना जाएगा वैक्सीनेशन से, मतलब टीका लगवाने से। भारत में सिर्फ 13% एलिजिबल आबादी को ही वैक्सीन का कम से कम एक डोज लगा है। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है। हाँ, इसकी एक वजह वैक्सीन डोज की कमी भी है, लेकिन सरकार इसका हल निकालने में लगी हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके जहन में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर कुछ मिथक और शंकाएं हैं, जो लोगों को वैक्सीन लगाने से रोक रही हैं। तो पहला सवाल है जयपुर से रोहित पालीवाल का। उनका कहना है कि वैक्सीन बहुत कम समय में बनी है, इसलिए ये सुरक्षित नहीं है। तो ये बात सच है कि वैक्सीन एक साल से भी कम समय में डेवलप हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने में नियमों का सख्ती से पालन हुआ है। हाँ, प्रोसेस जरूर फास्ट ट्रैक रहा है। दरअसल WHO से लेकर हर देश के रेगुलेटर ने सख्त रेगुलेशन का पालन किया है। लेबोरेटरी में इन वैक्सीन को जांचा गया, फिर इंसानों पर इसके ट्रायल हुए, उसमें मिले नतीजों के आधार पर ही उनकी इफेक्टिवनेस तय हुई है। तो ये कहना पूरी तरह से गलत है कि वैक्सीन असुरक्षित है। ग्वालियर के नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं, इससे मौत भी हो सकती है। तो नरेंद्र जी, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। भारत की ही बात करें तो यहाँ पर एडवर्स इवेंट सिर्फ 0.013% रहा है, यानी 10 लाख में सिर्फ 130 लोगों में साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं, यानी ना के बराबर। इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द, सूजन, बुखार जैसे साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं, और ये लक्षण एक दो दिन में ठीक हो जाते हैं खुद ब खुद। अगला सवाल भोपाल के रौनक शर्मा का है। वो कहते हैं कि वैक्सीन की वजह से विकसित होने वाली जो इम्यूनिटी है वो शराब पीने से कमजोर हो जाती है। तो रौनक जी, वैक्सीन और शराब का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। बहुत ज्यादा शराब पीने से लिवर, दिल के रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। अमेरिका में तो लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ प्रांतों में फ्री बियर भी बांटी गई है। अगला सवाल है रायपुर के रितेश मल्होत्रा का। उनका कहना है कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है तो उसे वैक्सीन लगवाने की जरूरत क्या है? देखिए रितेश जी, एंटीबॉडी विकसित करने के दो तरीके हैं, एक तो कोविड इन्फेक्शन और दूसरा है वैक्सीन। जिन्हें इन्फेक्शन हुआ है उनके शरीर में एंटीबॉडी बनी होगी, पर ये कितने दिन टिकेगी ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर रीइन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। इस वजह से भारत सरकार ने सलाह दी है कि इन्फेक्शन होने के 3 महीने बाद वैक्सीन का डोज लिया जा सकता है। लखनऊ से शालिनी श्रीवास्तव का सवाल है कि कोविड के जो नए वेरिएंट्स आए हैं उन पर ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। तो देखिए शालिनी जी, वेरिएंट्स पर भी वैक्सीन इफेक्टिव है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक स्टडी के मुताबिक जिन्हें कोविशील्ड और फाइजर वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं वो वेरिएंट से उनको बचाने में काफी हद तक सफल रहे हैं। कोवैक्सीन के संबंध में भी दावा किया जा रहा है कि यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट समेत ही भारत में मिले डबल म्यूटेंट स्ट्रेन में भी प्रोटेक्शन देती है। तो पटना की आकांक्षा सिन्हा का सवाल है कि जिन महिलाओं के पीरियड्स चल रहे हैं उनकी इम्यूनिटी को वैक्सीन कमजोर करती है। तो आकांक्षा जी, महिलाओं के पीरियड्स का वैक्सीन इफेक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन लग रही है। ऐसे में ये भ्रम है कि पीरियड्स में वैक्सीन डोज लेने से इम्यूनिटी कमजोर होती है। ये सवाल है गाजियाबाद की विनीता बख्शी का। उनका कहना है कि बच्चों को दूध पिला रही महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और इसके साथ ही बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है। तो विनीता जी, शुरुआत में बच्चों को दूध पिला रही महिलाओं को वैक्सीनेशन से बाहर रखा गया था, पर स्टडीज के बाद ये साबित हो गया कि वैक्सीन उनके और उनके नवजात बच्चों के लिए सुरक्षित है। डिलीवरी के तत्काल बाद वैक्सीन का डोज लगाने से न केवल मां सुरक्षित होती है, बल्कि उसका दूध पीकर एंटीबॉडी बच्चे तक भी पहुंचती है। ये बच्चों को भी कोविड-19 इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। तो आप भी इन मिथकों से जुड़ी सच्चाई को जानिए और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो किसी मिथक या शंका की वजह से वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। और आपके जहन में अगर कोई सवाल है वैक्सीनेशन को लेकर, अगर कोई मिथ है, तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।